उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क के प्रयास जोर शोर से किए जा रहे हैं। मिर्जापुर के अहरौरा नगर के अध्यक्ष पद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सदानंद यादव के चर्चे जोरों पर हैं। सदानंद यादव ने हर वार्ड में घूमकर लोगों की जन समस्याएं सुनी, शिकायतों को समझा और उनको खत्म करने के आश्वासन दिए। साथ में सदानंद यादव ने कहा कि नगर में खेल कूद स्टेडियम नहीं है, बच्चे एवं बुजुर्गों के लिए कोई पार्क भी नहीं है, पानी और मैदान समेत अन्य प्रकार की परेशानियां भी है और इन सभी परेशानियों से समाजवादी पार्टी जनता को मुक्त करेगी और इसमें सदानंद यादव अपना सहयोग देंगे। मेरा नाम सदानंद यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं अरोरा नगर में। नगर पालिका परिषद के चुनाव में अरोरा नगर का पूरे जेन्युइन काम, जो यहां पे वृद्धा विधवा विकलांग समाजवादी पेंशन और यहां के नगर में निर्मलवा पे जैसे पानी का व्यवस्था, ट्यूबवेल का व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, वहाँ का सबसे जरूरी है घर द्वारी टैक्स लगवाना, कजाकपुर में पानी नहीं निकल रहा है उसके लिए नगर पालिका द्वारा जमीन खरीद कर पूरे गांव की समस्याओं को दूर करना, और मेहदीपुर में एक वहां पानी नहीं निकासी है उसकी समस्या को दूर करना, और जेन्युइन अरोरा नगर में ग्रीन सिटी बनाना। इस दौरान वहां उनके साथ बंशीधर अग्रहरी, ठाकुर प्रसाद अग्रहरी, गणेश अग्रहरी, लल्लू चौरसिया, इसरार अहमद, रोजन कनौजिया, सूरज पटेल, लालजी पटेल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही थी। मिर्जापुर से संदीप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।